मेरे दोस्तों आज जो बुजुर्ग हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और आपने अपने खुलाफा राशिदीन को इसका आदि बनाया था कि जो माल तुम्हारे पास है उसको दर्ज करना और जो माल तुम्हें तुम्हारी दीनी खिदमात की वजह से पेश किया जाए उसको कबूल मत करना। साहब इकराम नहीं जानते थे कि उजरत और अजर कैसे जमा किया जा सकता है, क्योंकि जमाने के लोग कहते हैं कि अजर भी जमा होगा उजरत भी जमा होगी। साहब नहीं जानते थे कि क्या दीनी किसी खिदमत पर उजरत का लेना हमारे अजर को बाकी रखेगा। साहब इसको नहीं जानते, लोगों ने तामीरात करके अपने आप को गैर मोहताज होते हुए भी दीन की खिदमत की उजरत का अपने आप को आदी बना लिया, गैर मोहताज होते हुए भी, जबकि उन लोगों ने मोहताज होते हुए भी दीन की खिदमत की उजरत को कबूल नहीं किया। पर अभी जमाने में ये लोगों की आदत बन गई है। हालांकि मैं समझता हूं कि एक मुअल्लिम का तालीम के साथ तिजारत करना बगैर दीनी तालीम के तिजारत करने से ज्यादा अहम और जरूरी है। एक मुअल्लिम, एक मुहद्दिस, एक अमीर और एक मुबल्लिग का इन दीनी खिदमात के साथ तिजारत करना ज्यादा अहम और जरूरी है बनिस्बत से आम जाहिल आदमी के। यदि किसी खिदमत में इज्तिमाई काम में किसी जिम्मेदारी पर नहीं है उस पर इतना लाजमी कर दिया जाता है। लेकिन कहां से ये मिजाज बना और कहां से ये बात पैदा हुई कि मशायख और उलमा और मुहद्दिसीन और मुबल्लिगीन इन हजरात का दुनियावी कामों में मशगूल होना इससे दीन में खलल पैदा होगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि इससे इनके इनके काम में तआवुन होगा और ये उम्मत को अमली तिजारत बाजार में बैठ कर बताते कि अमली तिजारत क्या है, बजाय किताब से किताब तिजारा पढ़ाने के ये बाजार से बैठ कर बताते कि तिजारत कैसे। मगर अफसोस इस बात पर है कि इस जमाने में कुफार की तरह मुसलमान भी उलमा और मुशायख की तिजारत करने को ऐब समझते हैं, जिस तरह कुफार अंबिया के किसी दुनियावी पेशे में मशहूर होने को ऐब समझते थे। इस जमाने में मुसलमान उलमा और मुशायख के किसी तिजारती या किसी दुनियावी मशागिल में मशहूर होने को ऐब समझते हैं। अहम बात आज की है, एक मुअल्लिम का, एक मुदर्रिस का तिजारत करना एक गैर आलिम के तिजारत करने से ज्यादा अहम और जरूरी है। दो वजह से, ताकि इसकी दीनी खिदमात मखलूक से इस्तिग़ना के साथ हो, और दूसरी बात ये क्या कर रहे लोग खड़े हो बस नहीं कहो इसे लोग इसे शैतान को जेब में लिए फिरते रहते हैं और समझ में काम कर रहे हैं। मैं कितनी अहम बात कर रहा हूं, अमर बदला रहा है कि अमर खिलाफत मुझे तिजारत से नहीं रोक सकती। आप सोचिए सारे मुसलमानों के तमाम उमूर की जिम्मेदारी, सारे मुसलमान जहां जहां तक इस्लाम पहुंच गया आलम में वहां के तमाम मुसलमानों के अमीर, कितना काम उनके जिम्मे होगा। लेकिन सही वसूली के साथ तिजारत करने को ना खिलाफत में मुखिल समझते हैं और ना ऐब समझते हैं। तो मैंने कहा कि खिलाफत में मुखिल होगी, हमारे क्यों मुखिल होगी, ये काम नहीं करेंगे तिजारत नहीं करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं दूसरी वजह यह है उलमा की तिजारत करनी
ताकि ये बाजार में भी उतरें, अदालत में भी उतरें, ये बैंकारी में और ये दुनिया के तमाम शोबों में दाखिल हों, ताकि मुसलमानों का इनसे दुनियावी शोबों में अमली वास्ता पड़े, किताबी वास्ता पड़ रहा है, इसको दीन के लिए काफ़ी नहीं समझ। किताबी तालीम अमली तालीम नहीं है, आपने गैर अमली तालीम पर तालीम को महदूद किया हुआ। गैर अमली तालीम में महदूद किया हुआ है तालीम को, किताबी तालीम गैर अमली तालीम। आदमी के जमाने में किसी को इजाजत नहीं थी कि तिजारत के उमूर और उसके आकाम का इम्तिहान लिए बगैर मदीने में दुकान खोल सकते। हम तो मुसलमानों को नमाज रोज हम दिखाना चाहते हैं, हम तो उनको इस्लामी तिजारत दिखाना चाहते हैं, आओ मदीने में इस्लामी तिजारत देखो। इसलिए हम ये ख्याल गलत ख्याल है, मालिम हो या मुतालिम उसकी जरूरियात का कोई कफील हो जाए, मैं समझता हूँ कि इससे मालिम मुतालिम दोनों का मुजाहदा नाफिस हो रहा है। मालिम का भी और दोनों खुश हैं कि अच्छा भाई चलो ईमानदार लोग हमारी जरूरियात पर तकफुल कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है हमें सुनने, पढ़ाने वाले को खुश, पढ़ने वाले को तो क्या क्या इजाजत कह देंगे। जब आजीमत खत्म हो जाती है तो फिर आदमी को रुख्सत उसका मामूल मिल जाती है। आजीमत का बयान करना लोग रुख्सत की का इनकार उसकी तरदीद समझते, उसे उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो ये सोचते हम पर रद्द है, हालांकि आप पर रद्द नहीं है, बल्कि असल चीज की तरफ मुतवज्जे करना जरूरी है। तो हमने अर्ज किया कि तालीम और तालीम के साथ अपनी जरूरियात का खुद कफील होना, ये सहाबा इकराम की, खुलफा राशिदीन की, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सिफत है, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिफत है। जरूरत तो कैसे पूरी हो जाएगी, मैं तो नहीं कहता जरूरत है, मैं तो कहता हूँ कि ये एक सिफत है कि अम्बिया की आदत करें, सिफत है। हर नबी ने कोई पेशा इख्तियार किया है, हर नबी लोहार भी हैं और बढ़ाई भी हैं, कारपेंटर भी हैं, सारे काम वो काम के जिन कामों के जमाने का मुसलमान नाजीब समझता है, वो काम अंबिया ने किए हैं पेशे के तौर पर, जो इस जमाने में कर लेते हैं नाजीब समझते हैं। दुआली का काम, बढ़ाई का काम अंबिया ने किया, पढ़िए आप और आप यहाँ पहुंच गए हैं कि कोई अच्छी तिजारत करना भी आप तालीम के साथ है समझते हैं। देखो क्या किया खुलफा राशिदीन ने, माल रद्द किया एक, और दूसरा काम ये किया कि अपनी दीनी खिदमात पर उजरत को भी रद्द किया।